कर्म के कारक माने गए हैं शनि देव को, और इन्हीं शनि देव की जो ट्रांजिट है यह सिंह राशि के लिए क्या लेके आई है, और वास्तव में ऐसी कौन सी ड्यूटी होने वाली है जो आपको पैसों की बढ़ोतरी और साथ में सफल इंसान बना सकता है, इसी पर यह वीडियो आधारित है। यदि आप सिंह राशि के हैं, सिंह लग्न के हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपकी होने जा रही है। चलिए चार्ट पर चलते हैं। ये जो सिंह राशि है इनके ठीक जो है सामने, अर्थात यहां से ठीक सातवें भाव पर शनि की गोचर यहां पर प्रारंभ है जनवरी 2023 से। अब यहां पर शनि जैसे ही आए, आप सबको यह बात अच्छी तरह से जानकारी होगी कि शनि जो है वो कर्म के देवता है, मजिस्ट्रेट की उपाधि शनि देवता को प्राप्त है। अब शनि देव जब यहां पर आए हैं तो मजिस्ट्रेट ड्यूटी आपकी कुंडली में, आपके जीवन में, आपके लगन में कहां पड़ गई, तो सप्तम भाव पर। तो सिंह राशि के लोगों के लिए मजिस्ट्रेट कहां आकर करके बैठ गए, सप्तम भाव पर। शनि के विषय में एक चीज कहा जाता है कि शनि जहां बैठते हैं उस भाव की बहुत वृद्धि करते हैं, उस भाव में सफलता देते हैं। अब शनि जब यहां बैठे हैं तो उस भाव को वृद्धि करेंगे, अर्थात सप्तम भाव कहेगा आपके बिजनेस का, आपके दांपत्य जीवन का। यदि आप बिजनेसमैन हैं, यदि आप जो है वो प्रोफेशनल वर्क करते हैं, तो ये निश्चय मानिए कि शनि इस समय से जो आए हुए हैं मार्च 25 तक सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस में, आपके कार्य क्षेत्र में ग्रोथ देने के लिए आए हुए हैं। कारण कि शनि यहां पर आकर के बैठे हैं। अब यही वो भाव है जहां पर शनि जो है बैठे हैं, वो स्थान है आपके दांपत्य जीवन का। यदि आपके दांपत्य विवाह इत्यादि में विलंब की संभावना यहां पर यदि बन रही थी, तो शनि यहां पर आकर के बहुत ज्यादा संभावना है कि आपके विवाह को करा दे, क्योंकि बड़े हमारे लाइफ में बड़े इवेंट तभी होते हैं जब शनि और गुरु उस भाव से प्रभावित हो जाए। गुरु तो ऑलरेडी आपके जीवन में अच्छा संभावना यहां पर दे रहे हैं, क्योंकि गुरु जो है अष्टम पे चल रहे हैं, अभी अप्रैल के बाद गुरु जो है वो नवम में आ जाएंगे, यहां से भाग्य का साथ भी हो जाएगा। तो जिनके विवाह में विलंब की स्थिति चल रही है, सिंह राशि के लोग या सिंह लग्न के लोग, तो अप्रैल के बाद जो है उनके विवाह की संभावना बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि गुरु यहां पर आ जाएंगे और सीधे दृष्टि यहां पर दे देंगे शनि देवता को। शनि देव ऑलरेडी सप्तम में है, तो विशेषकर आप यही मानिए कि आपके लिए बिजनेस में ग्रोथ, अपने कैरियर में सफलता और वैवाहिक जीवन पर बहुत अच्छा असर देने वाले हैं यहां पर ये साल और आने वाला 25 तक। अब बात करते हैं शनि की ड्यूटी की, और जो आपको ड्यूटी दिया जा रहा है। देखिए, आप किसी न किसी के यहां ड्यूटी किए होंगे, यदि बाय द वे आपने कहीं ड्यूटी नहीं किया होगा, तो किसी न किसी को तो अपने घर ड्यूटी पे रखा ही होगा। अब उस कंडीशन में आपको अच्छी तरह यह जानकारी है कि ड्यूटी का मतलब क्या होता है, मतलब वह जिन्हें, जिनके यहां हम कार्य करते हैं या जिन्हें हमने कार्य पर रखा है, वो अपने नैतिक सिद्धांतों के अनुसार अच्छे ढंग से कार्य करें, वो ईमानदारी से कार्य करें। अब जब वह व्यक्ति ईमानदारी से नैतिकता पूर्ण कार्य करता है, तो हम उसे बहुत ज्यादा इनाम देते हैं या हमें इनाम मिलता है। सेम ऐसा ही समझे यहां पर सिंह राशि के लिए। शनि यहां पर बैठे हैं और आपकी ड्यूटी लगा रहे हैं तीन जगह पर। शनि की तीन दृष्टियां होती हैं, और जहां जहां इनकी दृष्टि है वहीं आपकी ड्यूटी लगी हुई है। शनि की एक दो तीन पहली दृष्टि जो है वो नवम भाव पर है, और दूसरी दृष्टि लगन पर, और तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर। अब समझते हैं कि इन तीनों का क्या फल होने वाला है, कहां आपकी ड्यूटी लग रही है। पहली ड्यूटी नवम भाव पर, आपके भाग्य पर। यदि आप अपने भाग्य उन्नति के लिए प्रयासरत हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप चाह रहे हैं कि मैं हाथ पे हाथ धर के बैठे रहूं, भगवान मुझे ला के दे देंगे, मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो ये सब नहीं होने वाला। आपको अपने भाग्य उन्नति के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि शनि ने आपकी ड्यूटी लगाई हुई है। तो यदि भाग्योन्नति का आपने प्रयास किया, तो निश्चय मानिए आपकी भाग्योन्नति जो है वो संभव है। यही वो स्थान होता है आपके पिता का, तो पिता पर आपकी ड्यूटी लगी है। आपके पिता के स्वास्थ्य में नरमा गर्मी है, ड्यूटी लगी हुई है, ध्यान दीजिए पिता को। यदि आप उच्च शिक्षा अर्जन करना चाहते हैं, तो वहां ड्यूटी लगी हुई है, उच्च शिक्षा के लिए ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, हायर लर्निंग पर ध्यान दीजिए। ये दोनों तीनों भाव ऐसे भाव हैं जो आपको भाग्योन्नति की ओर ले जाएंगे। यदि यही स्थान हमारे बॉस का होता है, आपके उच्च अधिकारियों का होता है, यदि उच्च अधिकारियों से आपके संपर्क अच्छे हैं तो अच्छी बात है, यदि उनसे संबंध आपके बिगड़े हुए हैं, तो आप यकीन मानिए कि ये नवम भाव आपका बिगड़ जाएगा। तो भाई ड्यूटी लगने का मतलब क्या हुआ, उन सबसे हमारे रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे रहे,
ठीक है। अब यहां से शनि जो है, अगली जो दृष्टि है शनि की, यहां पर शनि बैठे हुए हैं, तीसरी दृष्टि दे दी है नवम भाव पर, भाग्योन्नति के भाव पर। अगली दृष्टि आ गए लग्न पर। यदि आप सिंह लग्न के हैं, सिंह राशि के हैं, तो आपकी एक ड्यूटी पड़ती है अपने शरीर पर, अपने खुद पर लग जाइए, मेहनत कीजिए। मेहनत किस बात की? यदि आपको पहले से कोई रोग समस्या है, कोई कष्ट पीड़ा है, तो उसे दूर करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि लगन पर जब शनि की दृष्टि आती है, तो लगन पर अभी हम मेहनत कैसे करेंगे? तो योग, व्यायाम, प्राणायाम इत्यादि साधनों से अपने शरीर को आप अच्छा रखिए, अन्यथा आपको शारीरिक व्याधियां झेलनी पड़ेगी। भाई ड्यूटी यदि कोई सही ढंग से नहीं करता है, तो उसे पनिशमेंट मिलेगा, तो शनि देवता आपको पनिशमेंट देंगे। तो उस पनिशमेंट से बचने के लिए आपको अपने शरीर पर ध्यान देना है। अब शरीर पर ध्यान कैसे दें, आपने सुख समझा। अब यही स्थान आपके व्यक्तित्व का है, आपके विचारों का है, उसको अच्छा बना के रखना है। अपने व्यक्तित्व क्यों कहा गया है? यदि हमारा व्यक्तित्व यदि अच्छा हो, तो हम सामने वाले से सब कुछ करा सकते हैं। तो व्यक्तित्व, एक साफ सुथरा व्यक्तित्व बनाने की समय आ गई है सिंह राशि के लिए। यदि आपके ऑलरेडी साफ सुथरे व्यक्तित्व है, तो आपको सफलता निश्चित है। अब यदि आपने ये दो ड्यूटी को समझा, इन दोनों ड्यूटी को समझ करके आप धन क्रिएट कैसे करेंगे? यहां से नवम भाव पर ड्यूटी आई, तो आपको भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति हो जाएगी, इस ड्यूटी को निभा लिया। तो यहां पर लगन के द्वारा दृष्टि आई, तो आप जिनसे मिलेंगे, जहां पर जिस कार्य से आप जुड़े हुए हैं, उस कार्य से पैसों का सोर्स बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई पहला जो इंसान है वो अपना स्वयं होता है, एक लगन ही तो सबको कुछ ना कुछ प्रदान करता है ना, तो आपको भी ये लगन ही सब कुछ प्रदान करेगा, आप यूं मानिए। अगली और तीसरी अंतिम दृष्टि शनि की होती है चतुर्थ भाव पर। तो चतुर्थ भाव पर दृष्टि क्या हो गया? चतुर्थ भाव की दृष्टि आपकी प्रॉपर्टी की बात कर रही है। आप अपने प्रॉपर्टी की देखरेख कीजिए, भूमि, भवन, वाहन, मकान, इनका देखरेख कीजिए। किस प्रकार से आप इस चतुर्थ भाव को एक्टिवेट कर सकते हैं? यदि आपके प्रॉपर्टी खरीदने का समय है, तो आपकी ड्यूटी लगी हुई है, आप लग जाइए, आपकी प्रॉपर्टी खरीदा जाएगी। यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं, तो हाँ, वाहन खरीदने के लिए सुंदर अवसर यहाँ पर है, शनि की दृष्टि आई हुई है। अब वाहन इत्यादि में आपकी ड्यूटी लगी हुई है, भाई मेरी ड्यूटी मान लीजिए वाहन पे लग जाए, और मैं वाहन खरीदने के काबिल नहीं हूं, तो फिर कैसे होगा? तो उस कंडीशन में आपके पास जो भी वाहन हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, या साइकिल ही सही, तो उस वाहन के ही आप देख रेख, साफ सफाई कर दीजिए। भाई ग्रहों की तो मनौती है ना कि इस भाव पर आपकी ड्यूटी लगाना, तो आपने उस ड्यूटी को निर्वहन कर लिया, तो शनि देवता की प्रसन्नता मिल जाती है, और आप जो है बहुत ज्यादा संपन्नता महसूस करेंगे और सफल महसूस करेंगे। चतुर्थ भाव ही आपकी माता का भाव भी है, इसलिए अपनी माता का ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, और उनसे आशीर्वाद लेते रहें, तो शनि देवता को यह लगेगा कि आपने अपनी ड्यूटी निभाई, और माता के आशीर्वाद से भी आपको सुख में वृद्धि होनी है। यही स्थान समस्त प्रकार के अपने जीवन में सफलताओं का भी होता है। तो अब हमें सफलता के लिए अनेक प्रयास करने हैं, क्योंकि आपकी ड्यूटी लगी हुई है इस स्थान पर। आप इसे यकीन मानिए कि अब यदि हम इस एक लेडर, हमें सीढ़ी मिल जाए, और उस सीढ़ी में हमें जनवरी सन 2023 में यह सीढ़ी हमको मिला, और हमको मार्च 2025 में उस सीढ़ी तक पहुंचना है, उस शीर्ष तक पहुंचना है, तो इन तीनों ड्यूटियों को आपको निभाना ही पड़ेगा। और यकीन मानिए, यदि आपने इस ड्यूटी को निभा लिया, तो आपको बहुत सारे इनाम मिलते हैं शनि देवता की तरफ से। मानो शनि ने कहा कि वाह भाई, कितना अच्छा इंसान है ये, इसने तो मेरे दिए हुए सारे ड्यूटी को पूर्ण किए हैं। और तब जाकर के आपको भाग्योन्नति, सुंदर स्वास्थ्य, वाहन, भूमि, भवन, वाहन, मकान का सुख, मांगलिक कार्य, ये सब चीज आपके जीवन में शनि देव दे देंगे, और आप आर्थिक रूप से संपन्न होकर के सफलता को ही प्राप्त करेंगे। आप सब सिंह राशि के जातक, मुझे उम्मीद है इसे आप समझ पाए होंगे। आप सबका जीवन जो है सदैव तरक्की मार्ग पर अग्रसर हो, आप सदैव जो है उन्नति करते रहें, आर्थिक रूप से संपन्न होते रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। परंतु हाँ, यदि आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, या अन्य राशियों के बारे में भी देखना चाहते हैं, तो प्ले लिस्ट में जाकर के सभी का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। आप सबका जीवन जो है मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।